अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और मेरी दुआ भी है कि आप सब बिल्कुल ठीक और खुश रहें। तो यहाँ अभी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ अपनी कुछ शॉपिंग जो कि मैंने नेक से की थी। तो मैंने तकरीबन 3-4 चीज़ें जो हैं वो ऑर्डर की थी, तो वो मैं आपके साथ पहले शेयर करती हूँ। तो मैं पहले यह कि इन पार्सल को खोल लेती हूँ और फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने क्या क्या चीज़ें ऑर्डर की थी। तो सबसे पहले मैंने ना ये एक जैकेट ऑर्डर की थी, तो ये अभी ये है कि सेल पे थी गई हुई, क्योंकि अभी यहाँ समर है, गर्मियाँ हैं, तो फिर जो विंटर वाले कपड़े हैं ना वो अक्सर यहाँ सेल पे चले जाते हैं, तो आपको काफ़ी अच्छी प्राइस में मिल जाते हैं वही कपड़े जो आपको विंटर में काफ़ी एक्सपेंसिव मिलते हैं। ये कुछ इस तरह से बनी हुई है, तो इसका काफ़ी अच्छा, ये काफ़ी सॉफ्ट फरी सी है और ऑफकोर्स काफ़ी वॉर्म भी होगी, तो इसका काफ़ी बड़ा सा कॉलर बना हुआ है इस तरह से, एंड देन यहाँ बटन दिया हुआ है, एक दो बटन है बेसिकली, आप जिस पे फिट आते हैं वहां बंद कर लें। एंड इसके बाजू कुछ इस तरह से हैं, और इसका कलर जो है वो काफी नाइस ब्राउन सा कलर है, और अंदर से इसके अंदर से मैं आपको दिखाती हूँ, जो होता है ना सिल्क की लाइनिंग दी गई है अंदर, काफी वॉर्म लग रहे, बस अभी ये है कि नाइसली मुझे फिट आ जाए। तो ये मैंने दो लेगिंग ऑर्डर की थी, एक नेवी ब्लू कलर में है और एक ब्लैक में है, और ये जो है ये परफ्यूम्स हैं, उनके जिस तरह सैंपल्स होते हैं ना बिल्कुल इस तरह से। तो मैं आपको लेगिंग पहले खोल के दिखाती हूँ और फिर इसको खोलते हैं। एक ये है, ये जो ब्लू में है, नेवी ब्लू कलर में, तो ये इस तरह से है, तो ये बेसिकली लगती जीन्स की तरह ही है, लेकिन ये है कि ये थोड़ी सी ज़्यादा कंफर्टेबल होंगी जीन्स से, और ये जो है ये ब्लैक में है ये, और ऊपर से कोई कुछ इस तरह से है, ये ब्लैक में और ये हो गई नेवी में, और ये इनके नाम लिखे हुए ऊपर जो जो है इसमें, इस तरह से ना ये सैंपल्स बने हुए हैं अंदर, छोटे छोटे से हैं, तो ये कि आप ट्राई करके चेक कर सकते हैं, जो आपको अच्छी लगेगी वो आप ये कि बाय कर सकते हैं, रादर देन कि आप पहले ही बड़े वाला बाय कर लें और बाद में फिर होता है कि सम टाइम आपको सेंट्स अच्छी नहीं लगती, या फिर बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि सेंट्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती हैं कि आपका अक्सर सर दर्द करना शुरू कर देता है, तो फिर इसलिए। और यहाँ अभी मैं आपके साथ पिज़्ज़े की रेसिपी शेयर करती हूँ। तो मैं यहाँ दो पिज़्ज़े बनाऊँगी, दो टाइप के, चिकन पिज़्ज़ा भी और वेजिटेबल पिज़्ज़ा भी, क्योंकि मैं जब भी इंस्टाग्राम पे स्टोरी लगाती हूँ ना पिज़्ज़ा जब बनाती हूँ, तो मुझे काफ़ी रिक्वेस्ट आ रही थी कि मैं अपनी पिज़्ज़े की जो रेसिपी है वो डिटेल में शेयर करूँ कि मैं किस तरह से बनाती हूँ। तो मैं सच्ची बताऊँ तो टाइम नहीं मिल रहा था, जब भी पिज़्ज़ा बनाती हूँ जल्दी में बनाया, लेकिन रिकॉर्ड नहीं कर पा रही थी फुल रेसिपी, तो आज शेयर कर रही हूँ। तो मैंने यहाँ एक चिकन ब्रेस्ट ली है और उसको मैंने इस तरह से एक इंच के जितने पीसीस होंगे उनमें काट लिया है, ये आप देख सकते हैं पीसीस का साइज़ कुछ इस तरह से। अभी यहाँ पैन में मैं 2 टेबलस्पून के जितना कुकिंग ऑयल डालूंगी, और जो पीसीस कट किए हैं मैंने चिकन के वो इसमें डाल देंगे, और इनको हम हाई फ्लेम पे चिकन को करेंगे फ्राई। फ्लेम जो है वो लो नहीं करना, क्योंकि वरना चिकन पानी छोड़ देगा, तो फुल फ्लेम रखना है हमने। चिकन ने जैसे ही कलर चेंज किया, इसमें 1/2 टीस्पून नमक जाएगा, 1/2 टीस्पून ही लाल मिर्च का पाउडर, और 1/2 टीस्पून ही मैं यहाँ जो गार्लिक पाउडर है वो डाल रही हूँ, लहसुन का पाउडर, आप अगर पाउडर ना हो तो फ्रेश जो है वो भी 1/2 टीस्पून डाल सकते हैं। तो इसको 1 से 2 मिनट के लिए जो मसाले हैं वो डालने के बाद हम चिकन को भूनेंगे, और फिर बस हम फ्लेम बंद कर देंगे, और हमारा जो चिकन है वो रेडी है, चिकन टिक्का। और यहाँ ये टॉपिंग है जो मैंने डालनी है, जिसमें चिकन टिक्का जो हमने बनाया है, मिक्स पेपर है मेरे पास, प्याज हैं, और जो स्वीट कॉर्न होते हैं वो हैं, तो यहाँ मैंने सबको काट के रख लिए। और अभी यहाँ ये जो पिज़्ज़े की डो है, इसको मैंने तकरीबन 4 से 4.5 घंटे पहले गूंद के रख दिया था, तो ये काफ़ी अच्छे से राइस हो चुकी है, ये आप देख सकती हैं। तो रेसिपी यहाँ शेयर नहीं कर रही डो की, लेकिन अगर फिर भी किसी को चाहिए हो तो मुझे बताइएगा, तो मैं इंशाल्लाह ज़रूर शेयर कर दूंगी वो भी। अभी हमने ये है कि मैदा जो है प्लेन फ्लावर वही डस्ट कर लिया अपने वर्कटॉप पे, और जो डो है वो सारा जो है हम निकाल के इधर डाल लेंगे,
क्योंकि जब हम इसको गूंद के रखते हैं ना, ईस्ट वगैरह डालते हैं तो गूंद के रखते हैं, तो इसके अंदर एक हवा सी बन जाती है, तो हमें उसको बेसिकली रिलीज़ करना है अभी। तो बस ये है कि इस तरह हाथ से हम इसको अच्छे से जिस तरह गूंदते हैं बिल्कुल इसी तरह से हल्की सी नीडिंग कर लेंगे, ताकि इसके अंदर जितनी भी हवा बनी है वो ख़त्म हो जाए। और अभी इस डो से मैं 3 पिज़्ज़े बना रही हूँ मीडियम साइज़ के। तो मैंने अपनी डो को 3 पार्ट में ये है कि डिवाइड कर लिया है, और अभी एक पार्ट से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ हमने पहले तो ये है कि अच्छा सा पेड़ा बना लेना है। आप यहाँ पेड़े का साइज़ भी देख सकते हैं, काफ़ी बड़ा है। और बस अभी यह है कि हम जो प्लेन फ्लावर है ना, मैदा, वही डस्ट करेंगे और इसको रोटी की तरह बेल लेंगे। तो मैं यहाँ ये जो अपनी रोटी बनाऊंगी ना, इसको मीडियम साइज़ के जितना बेलूंगी, क्योंकि मीडियम साइज़ ही मेरे पैन का जो साइज़ है उतना है। आप अपने पैन के मुताबिक, आपका पैन जितना हो उसके मुताबिक आप अपनी रोटी को बेल सकते हैं। तो यहाँ बेलने के बाद अभी मैं फोक के साथ इसके अंदर इस तरह से सुराख कर लूँगी, ताकि डो जो है वो अच्छे से ऊपर नीचे से पक जाए। और अभी यहाँ मैंने ये तवा जो है इसके ऊपर बनाना है इसको, तो मैं जो बेस है उसको पहले ही कुक कर लेती हूँ। तो मैंने जो है अपना तवा उसको मीडियम टू लो फ्लेम पे गर्म किया हुआ है, अपनी डो को इसके ऊपर डाल दिया है, जो रोटी अभी मैंने बेली है ना उसको इसके ऊपर डाल दिया है, और अपनी फिंगर्स के साथ इस तरह से इसके एजेस को प्रेस करूँगी, ताकि वो नाइस एक जो साइड पे पिज़्ज़े की क्रस्ट होती है ना वो बन जाए, एक किनारी सी होती है ना पिज़्ज़े के साइडों पे नाइसली एजेस होती हैं, बिल्कुल इस तरह से इसकी भी लुक आ जाएगी। तो जैसे ही हमने ये डालना है तवे के ऊपर रोटी को, उसी टाइम पे हमने इसको हाथों से इस तरह से थोड़ा सा दबा के शेप दे देनी है, क्योंकि रोटी पकी नहीं है तो इजीली इसकी ये शेप आ जाएगी। तो जब तक मेरा वो बन रहा है, मैंने यहाँ अपनी दूसरी जो पिज़्ज़े की बेस है उसको भी बेल लिया है, और अभी इसी तरह फोक से मैं इसमें सुराख कर लूँगी। अच्छा, तो अभी यहाँ मैंने जो तवे पे डाली थी उस पर नाइस गोल्डन सा कलर आ गया, नीचे आप देख सकते हैं। तो इसको तकरीबन 3 से 4 मिनट लगे हैं इतना कलर आने में, तो ये स्पीड जो है आग की वो मीडियम टू लो है। तो अभी हम एक मिनट के लिए दूसरी साइड से भी इसको पका लेंगे, और साथ ही मैं अपने ओवन को भी अभी ऑन कर दूँगी। तो मैंने 250 की स्पीड पर इसको गर्म कर दिया, और एक मिनट के बाद ये है कि हम दूसरी साइड से एक मिनट पकाएं, और फिर बस अभी इसको ये है कि उतार लेंगे, ये रेडी है। ओके, तो अभी यहाँ जो मेरे पिज़्ज़े की रोटियाँ हैं, जो बेस है वो रेडी है। तो अभी मेरे पास यहाँ ये दो हैं, तीसरी साइड पे पड़ी हुई है, तो मैं इसको भी साइड पे रखती हूँ। हम एक से स्टार्ट करते हैं। सो सबसे पहले मैं चिकन वाला पिज़्ज़ा बनाऊँगी। तो ये है कि मैंने भी जो बेस रेडी की थी, आप देखें नीचे से काफ़ी अच्छे से इसके ऊपर गोल्डन से बने हुए हैं, नाइस इसके ऊपर कलर आया हुआ है। और जो ऊपर वाली साइड है जिधर मैंने सॉस लगानी है, उसको मैं हल्का सा कुक करती हूँ। तो बस अभी ये है कि हम अपनी फर्स्ट जो हमने बेस तैयार की है रोटी सी, वो लेंगे, और उसके ऊपर जाएगी पिज़्ज़ा सॉस। अच्छा, ये जो मेरी पिज़्ज़ा सॉस है ये मैंने खुद ही बनाई हुई है, और मैं काफ़ी सारी बना के एक दफ़ा मैं फ्रीज़ कर देती हूँ। तो इसको ये है कि मैंने अभी फ्रीज़र से निकाल के रखा हुआ था, और ये काफ़ी हद तक ये है कि अभी सॉस जो है वो मेल्ट हो गई है। तो अभी हम सॉस को अपने पिज़्ज़े के ऊपर डालेंगे फर्स्ट। तो अगर आपको पिज़्ज़े की सॉस की रेसिपी चाहिए हो तो मुझे बताइएगा, मैं ये है कि वो भी शेयर कर दूँगी अपनी किसी आने वाली वीडियो में। तो अभी जो सॉस है हम उसको ये है कि सारे पिज़्ज़े पे अच्छे से स्प्रेड कर लेंगे। सिर्फ हम ना पिज़्ज़े की जो साइड्स है ना, ये एजेस को बिल्कुल हाफ हाफ इंच के जितना छोड़ देंगे। ये जो एजेस हैं इनको हम हाफ हाफ इंच के जितना छोड़ के फिर सॉस लगाएंगे। तो अभी यहाँ ये है कि जो पिज़्ज़े की बेस है उस पर मैंने सॉस जो है वो अच्छे से लगा ली है। आप देखेंगे कि मैंने हर साइड पे तकरीबन हाफ इंच के जितनी जगह छोड़ दी है, क्योंकि इससे फिर क्रस्ट जो है वो थोड़ी सी गोल्डन होती है तो अच्छी लगती है हाली वो। अच्छा, पिज़्ज़े की सॉस लगाने के बाद नेक्स्ट जो चीज़ है वो है चीज़ हम डालेंगे, हल्की सी डालेंगे अभी। तो मैं यहाँ ये ग्रेटेड जो मोज़रेला चीज़ मिलती है ये यूज़ कर रही हूँ, ये ग्रेटेड ये मोज़रेला चीज़ है, तो इसको मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। तो ये चीज़ जो ये पिज़्ज़े के लिए काफ़ी अच्छी होती है, तो हम इसको हल्का सा इसके ऊपर डालेंगे, हल्की हल्की सी डालनी है हमने, क्योंकि हम जो बाकी की चीज़ है वो टॉपिंग डालने के बाद ऊपर से डालेंगे। तो बस ये इतनी सी ना मैंने, बिल्कुल देखिए आप
ये बिल्कुल हल्की हल्की सी चीज़ डालिए इस तरह से। ओके, तो अभी यहाँ जो मेरे पास टॉपिंग है वो भी ये कि रेडी है। तो मैं ये चिकन वाला बना रही हूँ, तो इसके ऊपर मैं सिर्फ चिकन डालूंगी। तो ये जो चिकन टिक्का हमने बनाया था ये अभी हम इसके ऊपर डाल देंगे। अभी ये चिकन डाला मैंने। ओके, अभी दोबारा मैं इसके ऊपर जो चीज़ है मोज़रेला चीज़, वही दोबारा से इसके ऊपर डाल दूंगी। लेकिन अभी हम थोड़ी अच्छे से डालेंगे, हाथ थोड़ा खुला करके, क्योंकि अभी हमने जो डाल ली है ना वो हमने चिकन को हल्का हल्का कवर करना है। यानी आप जो भी टॉपिंग डालें, आप अगर वेजिटेबल्स डाल रहे हैं तो ये है कि आपने जो ऊपर चीज़ डालनी है ना वो थोड़ी सी ज़्यादा डालनी है, बहुत ज़्यादा भी ना हो लेकिन एटलीस्ट इतनी हो कि आपकी जो टॉपिंग है ना वो हल्की हल्की सी कवर ज़रूर हो जाए। हाँ, जो मेरा पिज़्ज़ा है वो आप देख सकते हैं बिल्कुल रेडी है। अभी हम इसको ओवन में रखते हैं। अच्छा, अभी हाँ हमने ना ध्यान रखना है क्योंकि पिज़्ज़ा तकरीबन ज़्यादा से ज़्यादा 3 मिनट लगेंगे इसको पकने में, क्योंकि हमारी बेस जो है वो ऑलरेडी पकी हुई है और टॉपिंग भी चिकन वगैरह रेडी है। तो यह कि इसको ज़्यादा टाइम बिल्कुल भी नहीं लगेगा। और फिर ओवन जो है वो भी फुल स्पीड पे है, क्योंकि हमने सिर्फ चीज़ को मेल्ट करना है और बस ये है कि नाइस गोल्डन सा कलर आ जाए, बस इतना पकाना है जितना कि अभी आप देख सकते हैं। अभी यहाँ देखिए नाइस गोल्डन सा कलर आ गया है पिज़्ज़े पे। तो बस अभी हम इसको निकाल लेंगे और अपना नेक्स्ट पिज़्ज़ा इसके अंदर रखेंगे। ये रहा, ये देखिए, तो यहाँ ये मेरा चिकन का पिज़्ज़ा बिल्कुल रेडी है। तो अभी हमारा जो वेजिटेबल पिज़्ज़ा है वो गया ओवन में। तो ये है कि तकरीबन 3 मिनट लगेंगे, तो ये इसके ऊपर नाइस गोल्डन सा कलर आ जाएगा और बस फिर हम निकाल लेंगे। ये देखिए, तो यहाँ भी मेरे तीनों पिज़्ज़े रेडी हैं, जिसमें मैंने एक चिकन का बनाया था, एक वेजिटेबल का और एक जो है वो मैंने चिकन और वेजिटेबल मिक्स बनाया है। तो बस ये कि अभी हम अपना जो डिनर है वो इन्जॉय करते हैं। एंड आई होप आज का व्लॉग आपको अच्छा लगा हो, एंड स्पेशली जिन्होंने रिक्वेस्ट की थी पिज़्ज़े की रेसिपी के लिए, उनको रेसिपी अच्छी लगी हो प्लीज़ ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो या कहीं आपको कुछ समझ ना आई हो तो ज़रूर पूछ लीजिएगा मुझसे, चाहे आप इंस्टाग्राम पे मैसेज कर लें या फिर आप नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं इंशाल्लाह ज़रूर आंसर करूँगी। तो व्लॉग को करती हूँ यहीं पे एंड। आई होप आज का व्लॉग आपको अच्छा लगा हो, वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।